सर ये रही आपकी स्क्रिप्ट। एक साल से तुम इसका असिस्टेंट हो, अभी तक तुम्हें ये नहीं समझ में आई कि मेरे दोस्त को कभी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सॉरी सर। हेलो फ्रेंड्स, अब आपके सामने आ रहे हैं कार्तिक, जिन्होंने 26 साल की उम्र में काफी बड़ा नाम कमाया है। सो प्लीज वेलकम कार्तिक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत सही कहा इन्होंने, मैंने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया, लेकिन साथ साथ बहुत सारे पैसे भी कमाए। मांग मत लेना। देखते हैं, ये जीरो और वन मेरी जिंदगी में जब से आए, प्रोग्रामिंग कोड, तब से मैं अपने परिवार से तो दूर हो ही गया हूँ, अपने आप से भी दूर हो गया हूँ। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की एक अलग ही दुनिया है। जिस तरीके से दुनिया को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कायदे बने, वैसे टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया को चलाने के लिए भी बहुत सारे रूल्स होने चाहिए। आई नो इम्प्रेसिव साउंड कर रहा हूँ, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए विफल होना बहुत जरूरी है, और यही सब बातें करके मैं सफल बना हूं। ऐसे बच्चों को मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि पूरी शिद्दत से अपने पैशन को पूरा करो, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें कामयाबी। कार्तिक, मैं कामयाब बिगेस्ट फैन। थैंक यू सो मच। गोलू गोलू, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? स्कूल नहीं जाना है तुम्हें? माँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तुम्हारा रोज रोज का ड्रामा है, स्कूल के नाम पर पेट दर्द होता है। चलो रेडी हो जाओ। गोलू का चेहरा खराब हो गया। गोलू मोलू डोलू। सॉरी मैम, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैम। ये सब क्या है? तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है और तुम्हारी शरारतें भी। मैं आज ही तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी। चलो तुम प्रिंसिपल चलो। गोलू हमारे स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा था, पढ़ाई में भी बेहतरीन था, लेकिन अब इसका पढ़ाई का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ये देखिए इसने क्या किया। आई होप आपके घर में सब ठीक तो है ना? ऐसे तो कोई बात नहीं, सब कुछ तो ठीक है। ठीक है, फिर आप इसका ध्यान रखिए और पढ़ाई में ध्यान दें। अंकित, मैंने कहा ना तुझे, हो जाएगा काम। अच्छा सुन, मैं एक क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, तुझे बाद में बात करता हूँ। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी क्यों? मैं हूं ही कौन तुम्हारी? अरे तुम ही तो मेरे दिन का सुकून हो और रातों की नींद। शट अप, जाओ जाके चिपको, जैसे स्टेज पे लड़कियों से चिपक रहे थे। अरे मैं थोड़ा ना चिपक रहा था, तुमने देखा ना कैसे आके मेरी चिपक गई थी। ओ मैडम, 10 दिन बाद ना हमारी शादी है, इस सूजा हुआ मुंह लेके मंडप में बैठोगी ना तो अच्छी नहीं दिखोगी। आई लव यू। आई लव यू टू। हाँ अंकित, बस रेडी हो रहा हूँ, 5 मिनट में निकल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे यार ये कौन आ गया? तुम? तेरे कुछ ज्यादा ही शॉपिंग नहीं कर लिया? शादी है मेरी, ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ूंगी मैं। वाह, ये वाला? एक सेकंड रुक। हाँ कार्तिक को पूछती हूँ कहाँ है। और सही है यार। डोर तो खुला हुआ है। खुला है? तो चल ना अंदर, चल। आजा आजा आजा। कार्तिक दरवाजा खोल के पता नहीं कहाँ चला गया। कार्तिक 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 लेकिन हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है। कार्तिक की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं पता सर,
मैं 2 दिन के लिए दुबई गई थी, शादी की शॉपिंग करके लौटी, तो ये सब देखा। क्या उनको किसी के साथ कोई पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम थी? नो सर, हम लोग बहुत खुश थे। इनफैक्ट हमारी शादी होने वाली थी नेक्स्ट वीक। अगर वो इतना खुश थे तो एंजाइटी पिल्स और एंटी डिप्रेसेंट पिल्स क्यों खा रहे थे? वो थोड़ा टेंस्ड था। फिर कार्तिक ने एक ऐप डेवलप किया था जिसके लॉन्च के लिए उसने मार्केट से 5 करोड़ उठाए थे। ऐप के लॉन्च में थोड़ा डिले हो रहा था जिसकी वजह से उसे बहुत टेंशन थी। सर पैसों का इंतजाम हो जाएगा, मैंने आपको कहा ना मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। यस सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। थैंक यू सर। क्या हुआ कार्तिक? मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इस ऐप के डिले होने के कारण ना मेरी जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है जितने भी पैसों की जरूरत है हम पापा से मांग लेते हैं, पापा हमारी इतनी तो हेल्प कर ही देंगे मेरी खुशी के लिए, और जब पैसे आ जाएंगे तो हम उन्हें लौटा देंगे। मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ, किससे लिया था ये लोन? नहीं पता। इसके घर वाले कहाँ रहते हैं? इसके मम्मी पापा शांतु नगर में रहते हैं। फोरेंसिक टीम को बुला और इसके घर वालों को खबर करो। चलो गोलू, क्या है ये? सारे मैथ गलत कर दिए तुमने। कितने अच्छे तो थे पढ़ाई में, कर क्या रहे हो तुम? क्या कर रहे हो, छोटा बच्चा है अभी वो। इतने छोटे बच्चे को ऐसे डांटने से काम नहीं चलेगा। अरे उससे प्यार से बात करो, हो सकता है इसको कोई स्कूल में परेशान करता हो, है ना बेटा? स्कूल में कोई परेशान करता है क्या तुम्हें? अगली बार कोई कुछ कहे तो हमसे बताना, चाचा है तुम्हारे, हमसे अपने दिल की सारी बातें कर सकते हो। अब हम यहीं रहने वाले हैं, चलो गेम खेलें। शर्म, शर्म नहीं आती तुझे? बच्चों के साथ बच्चे जैसा हो गया तू भी। मैं दिन रात एड़िया घीस रहा हूँ ये सोच करके कि मैं सूबेदार रह गया, पर तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी ऑफिसर बनाऊंगा, पर नहीं, तुझे तो आवारागर्दी करनी है। पापा, नकुल भैया सारे दिन पढ़ाई करते रहते हैं और वो थोड़ी देर नीचे खेलने आ गए तो आप भरे मोहल्ले में सबके सामने उनके ऊपर चिल्लाए। बेटा बाप हूँ तेरा, वरना मारूंगा दो खींच के। बचपन से इतना मारा है आपने और अब मुझे आपकी मार का कोई असर नहीं पड़ता। क्या कार्तिक की किसी के साथ दुश्मनी थी? पहले तो उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आपका नहीं पता। मतलब 4 साल से कार्तिक हमसे अलग रह रहा था। कार्तिक के घर की दूरी आप लोगों के घर से तकरीबन 2 किलोमीटर की, फिर भी आप लोगों से दूर रह रहा था। उसके आने का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आधी आधी रात तक वो काम करते रहता था। उसे लगता था हम उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, इसीलिए अलग हो गया। इतना व्यस्त हो गया, इतने महीने तक अपने माँ से भी मिलने नहीं आया वो। लेकिन अगले हफ्ते तो कार्तिक की शादी हो रही थी ना? सर, कार्तिक की पत्नी को हम लोग पसंद नहीं थे। हम तो अपने हाथ से ही खाना खाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। ये किसने ऑर्डर किया? नहीं चाहिए भैया। ये मैंने ऑर्डर किया है बेबी, आपका भी तो फेवरेट है। तुम शराब पीती हो? हाँ तो क्या हुआ, आजकल तो सभी पीते हैं।
नहीं भैया नहीं चाहिए, लेके जाओ उसे। What is this nonsense, कार्तिक? क्या था ये? अगर तुम्हें अपने माँ बाप के सामने साधु बनना है तो बनो, प्लीज डोंट चेंज मी। और अगर तुम्हारे माँ बाप को इतने सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट में खाने की आदत नहीं है तो मुझे पहले बताना चाहिए था। हाथों से कौन खाता है यार, सो एम्बैरेसिंग। महक ने धीरे धीरे हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया, वैसा पुराने रिश्ते भुला देता, वैसे ही कार्तिक ने भी हमें भुला दिया था। दबा दो। यस। आपके आने के बाद बिल्कुल बदल गया है ये। हम बहुत खुश हैं भाई साहब। अच्छा हम बाजार जा रहे हैं, बहुत जल्द लौट आएंगे। ये हमारा सीक्रेट था, किसी को कुछ बताना मत वरना सब तुम्हें ही डांटेंगे। सर, कार्तिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत दोपहर 12 से 4 बजे के बीच हुई है और ठीक 4:30 बजे महक ने हमें इन्फॉर्म किया। सर, मैंने कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसकी काफी अलग अलग लोगों से बातचीत होती थी, उनमें से एक है दिनेश सावंत। सर, ये दिनेश सावंत इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, पैसों का लेन देन भी करता है। तो हो सकता है कार्तिक ने उससे लोन लिया। सर, हो तो सकता है लेकिन वो तो फरार है। बिल खोद के निकालो। सर सर एक और बात, मैंने कार्तिक के करीबी लोगों के कॉल लोकेशन रिकॉर्ड चेक किए, कार्तिक के पार्टनर अंकित का फोन 12:30 से 1 बजे के बीच कार्तिक के घर के पास ही एक्टिव था। ये तुम्हारे कॉल लोकेशन डिटेल्स। तो कार्तिक की मौत हुई थी, इसके मुताबिक तुम वहीं पर मौजूद थे। जी नहीं सर, मैं उसके घर पे नहीं बल्कि उसके घर के बाहर था। उस दिन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी सर, इसीलिए मैंने उसे कई बार कॉल भी किया था। इनफैक्ट उसे लेने घर भी गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला डोर लॉक थी, तो मुझे लगा शायद वो मीटिंग के लिए निकल चुका होगा। फिर मुझे लगा शायद वो डायरेक्टली क्लाइंट से मिलने चला गया होगा। सर राजीव, सर इस क्लाइंट की डिटेल्स निकाल। सर करीब 12 बजे अंकित की बात हुई थी कार्तिक से, उसके बाद भी कार्तिक के मोबाइल पे कुछ और भी मिस कॉल्स थे जो शायद उसने नहीं उठाए होंगे। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब अंकित उसके घर के बाहर गया हो तब तक वो मर चुका हो। महक की स्टेटमेंट के मुताबिक जब वो कार्तिक के घर पे पहुंची थी तो कार्तिक के घर का दरवाजा खुला था। यार डोर तो खुला हुआ है। और अंकित के कहने के मुताबिक जब वो वहां पर पहुंचा था तो दरवाजा लॉक्ड था। दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। समीर भाई नहीं, दोस्त है तू मेरा, और आप मेरे लिए पापा से भी बढ़कर हो। माँ के जाने के बाद आप ही ने तो मेरा ख्याल रखा है, कितना प्यार दिया है। थोड़ा और प्यार दो ना। मतलब? मुझे गेम के लिए पार्टनर चाहिए, तो भी लेवल पार हो पाएगा। नहीं नहीं, कोई गेम वेम नहीं खेलूंगा मैं। प्लीज भैया प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है। कार्तिक ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? आईश्वर उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी? सर जिसके साथ उसकी दुश्मनी थी, मुझे नहीं लगता कि वो उसका खून कर सकते हैं। क्या हुआ पैसों का? कितने दिनों से बोला हुआ है? 1 हफ्ते से लगातार फोन कर रहा हूं तुम्हें। आजकल तो अपने बाप का फोन उठाना भी बंद कर दिया तुमने। पैसा नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ना, नहीं हुआ इंतजाम। ये अय्याशी करने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास, लेकिन अपने माँ बाप को देने के लिए नहीं। हाँ नहीं है मेरे पास पैसे।
सिर्फ कार्तिक ने अपनी मेहनत और दिमाग से और जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लिया था। वो रात दिन मेहनत करता था। इनफैक्ट कभी कभी तो उसके पास मेरे लिए भी टाइम नहीं होता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे प्राउड करने की बजाय उसके पैसों के पीछे पड़े रहते थे। उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब यूज करते थे। और जब कार्तिक ने ये सब बंद करा दिया तो उसके पापा उससे नाराज हो गए। कार्तिक बहुत परेशान, बहुत दुखी रहने लगा था सर। तो पेरेंट्स का तो कुछ और ही कहना है कार्तिक के बारे में, और महक का कुछ और ही। वो तो कार्तिक के फादर को ब्लेम कर रहे। राजीव, श्रीकांत के बारे में पता था? क्या हुआ, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? बुरा सपना देखा होगा। कोई बात नहीं, मम्मा सो जाएगी तुम्हारे पास। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूं ना, मैं सो जाऊंगा इस कमरे में। सर, फिर कार्तिक के कुछ पड़ोसियों से बात हुई। उन लोगों ने कार्तिक को किसी से लड़ते हुए देखा था। उसे किस? तुम्हारा बस चले तो अपने बाप को घर से धक्के देकर निकाल दो। तुम शादी कर रहे हो, जयपुर में होगी डेस्टिनेशन वेडिंग, राजा महाराजाओं के महल में, और अपने माँ बाप को सड़क का भिखारी बना दिया है तुमने। सर, कार्तिक के लॉयर से भी मेरी बात हुई। कार्तिक ने अपने पिता के ऊपर पैसे गबन करने का केस भी किया था। सर, इनफैक्ट कार्तिक ने अपने इंश्योरेंस और अपनी सारी प्रॉपर्टी में अपने माँ को नॉमिनी बनाया था, जो कि वो चेंज करना चाहता था। सर, एक और बात, श्रीकांत के बारे में कुछ और भी पता चला? कार्तिक मेरा बेटा था। पैसों के लिए अच्छे अच्छे बाप को बदलते हुए देखा है मैंने। क्या ये सच नहीं है कि कार्तिक के पास प्रॉपर्टी और लाइफ इंश्योरेंस, जिसकी नॉमिनी उसकी माँ, जो कि बदल के अपनी बीवी के नाम पर करना चाहता, लेकिन शादी के एक हफ्ते पहले ही उसका मर्डर, और ये प्रॉपर्टी और लाइफ इंश्योरेंस अब आप और आपकी बीवी के नाम पर है ना? ये क्या बात कर रहे हैं सर? कार्तिक मेरा बेटा था। इतना जुए की लत है आपको, है ना? 50 लाख का कर्जा है, जान की धमकी भी आ रही है आपको। तो ऐसा तो नहीं अपनी जान बचाने के लिए आपने अपनी बेटी की जान ली? ऐसा कुछ नहीं किया है सर मैंने। क्या ये सच नहीं है कि आपने कार्तिक की कंपनी के शेयर ऊंचे दामों में किसी और को बेच दिए? सर, हमें क्या मालूम इस सब के बारे में। वो तो वो अंकित घर आया था, उसने कहा कि इन शेयर्स का आप क्या करोगे, तो अच्छे पैसे दे रहा था, हमने शेयर उसे दे दिए। ठीक है, आप जा सकते। अरे ये वाला पेज ओपन करना भैया, पेज लोड ही नहीं हो रहा। ट्राई कर। नकुल, उसमें क्या देख रहा है? फेल हो गया है तू, फेल। मैं तो फिर भी सुबेदार था, तू तो प्यून भी नहीं बन पाएगा। सर, ये सुनील है, कार्तिक का असिस्टेंट, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। सर, वो कार्तिक सर का उनके पार्टनर अंकित से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था सर। क्या कह रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ये पार्टनरशिप मुझे खत्म करनी है। वाह, क्या टाइमिंग है। सुना तुमने, पार्टनरशिप खत्म करनी है? बहुत सही टाइमिंग है तुम्हारी। हाँ, जब हमारी ऐप लॉन्च हो रही है, कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है, तब जाके तुम्हें सब कुछ सूझ रहा है ना। इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। अगर तुमने मेहनत की है ना, तो दिमाग मेरा लगा है। और ये मत भूलो कि इस कंपनी पे मेरे भी पैसे लगे हैं। पैसे से कुछ नहीं होता अंकित, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक अच्छे आइडिया की जरूरत होती है, जो मेरा था। और तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, इस कंपनी की ब्रांडिंग, इसका डिक्टाकॉम कभी चेंज नहीं होगा। वो पहले भी मेरा था और आगे भी मेरा रहेगा। सर, कौन से बिजनेस में पार्टनर की लड़ाई नहीं होती? मेरी भी हुई थी। डिक्टाकॉम एक बहुत बड़ा ब्रांड है सर। मैं चिढ़ा हुआ था, इस पार्टनरशिप को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, लेकिन अगर पार्टनरशिप खत्म होती तो डिक्टाकॉम की ब्रांडिंग भी चेंज हो जाती, इसीलिए कार्तिक ने मुझे मना लिया था। कब तक मुंह फुला के रखेगा? देख, ये कंपनी ना हम दोनों की, देख जल्द से जल्द इस कंपनी को कहां तक पहुंचाता हूं, बस थोड़ा सा वक्त देते। I'm sorry यार। ना,
सॉरी मुझे बोलनी चाहिए। काफी बड़ी कंपनी है और कार्तिक ने काफी बड़ा लोन लिया था अपने इस ऐप के लिए। ये ऐप अभी लॉन्च होने वाला है ना? जी 15 दिन बाद। मतलब ये ऐप जब लॉन्च होगा तब आपकी कंपनी के शेयर्स तो स्काई रॉकेट हो जाएंगे 50 गुना। तभी आपने जल्दबाजी में कार्तिक के शेयर्स जो है उसके माँ बाप से खरीद लिए थे। वो सब बिजनेस डिसीजन था। कार्तिक के माँ बाप को उसके बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि कोई नौसिखिया मेरे कंपनी पर हक जताए और मेरा पार्टनर बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्तिक की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को हुआ है, क्योंकि जीते जी कार्तिक अपने शेयर्स आपको तो बेचता नहीं, तो मरने के बाद ये पूरी कंपनी आपकी। आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कहानी करे। मैंने अपना दोस्त खोया है, पहले असली कातिल को जाकर पकड़िए, मुझे नहीं। और जितनी समझ मुझे है ना कि बिना किसी ठोस सबूत के आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए पहले जाकर सबूत ढूंढिए, इसके बाद मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। कार्तिक की ऑफिस में जितने भी लोग हैं उन सब पे नजर रखो, और संकेत के साथ साथ बाकी लोगों की भी कुंडली निकालो। सर बेचारे ने कितनी तकलीफ सही थी, ऐसे जीने से तो मरना ही बेहतर है। पुलिस को जाकर तू नहीं बताया ना मेरी और कार्तिक की लड़ाई के बारे में? नहीं सर। झूठ मत बोल। जब हमारी लड़ाई हो रही थी तो ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ तू ही था। देख अगर पुलिस हमें परेशान की ना तो तू भी परेशान होगा। सर एक नई बात पता चली है, महक के पास एक इंटरनेशनल सिम कार्ड था जिसके बारे में उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। सर उस सिम कार्ड के मुताबिक महक उस दिन कार्तिक के घर पे 4 बजे नहीं 1:30 बजे ही पहुंच गई थी। हाँ महक जी, देखिए ना बातों बातों में एक बात पूछना तो भूल ही गए आपसे। जब आप इंटरनेशनल शॉपिंग से वापस आई थी तो आपका इंटरनेशनल सिम कार्ड एक्टिवेटेड था अंकित के घर के बाहर, फिर बाद में बंद हो गया। फिर 2 घंटे के बाद आपका डोमेस्टिक नंबर एक्टिवेट हुआ जिस नंबर से आपने हमें फोन किया था 3:30 बजे। इसका मतलब 1:30 बजे जब आपका इंटरनेशनल सिम कार्ड एक्टिव था आप अंकित के घर के पास ही थी जब उसका मर्डर हुआ था। बताना चाहेंगे आप वहां पर क्या कर रहे हैं? सब मैं एयरपोर्ट से सीधा कार्तिक के घर गई थी। क्या सच में इतनी सी बात है? देखिए ज्यादा सवाल करके हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स देखे, आपकी अंकित से काफी घंटों तक बात हुआ करती थी। हमने आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आप यही कहेंगे कि वो कार्तिक का दोस्त है इसलिए मेरा भी दोस्त। ऐसा ही था सर। मैंने कहा ना आप यही कहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत छानबीन हमने भी की है और हमें यह पता चला है कि कॉलेज के दिनों में आप और अंकित काफी गहरे दोस्त हुआ करते हैं। इनफैक्ट आप उसकी गर्लफ्रेंड रह चुके हैं। सर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे पर है नहीं, कार्तिक को मैंने उसे मिलवाया था, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू किए सर मैं उनके बीच में कभी नहीं आया। तो फिर आप दोनों होटल रूम में क्या कर रहे? राजीव सर मुझे मिलने के लिए बुलाया था, फिर उसके बाद मुझे मोलेस्ट करने लगा। सर मैंने उसे मोलेस्ट नहीं किया, वो झूठ बोल रही, बल्कि उसने सेड्यूस करने की कोशिश की थी। सर मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं। आपने मुझे होटल में क्यों बुलाया? हम तो बाहर ही मिल सकते थे ना। बाहर वो बात नहीं होती ना जो यहाँ पर है। चले। हाँ सर मैंने उसे सेड्यूस किया था, मैंने उसे किस भी किया था। सर मेरी और कार्तिक की शादी होने वाली थी पर वो मुझे चीट कर रहा था, वो किसी और लड़की के साथ था।
किसके साथ अफेयर चल रहा था? किसी रिया के साथ में सर, उसकी वजह से हम दोनों के बीच बहुत झगड़े हुए और उसी गुस्से की वजह से मैं अंकित के साथ होटल में गई। इस रिया का एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं सर। राजीव, कार्तिक की कॉल डिटेल से रिया का नंबर निकलवा, उसका एड्रेस भी। सर हेलो सर, आपने जो साइन हमें भेजी है उसके बारे में कुछ पता चला है? वही जो कार्तिक की वॉल पे लिखा हुआ था, ठीक वैसा ही निशान। 10 साल पहले एक केस में मिला था, लड़के का नाम नकुल था। उस लड़के ने आत्महत्या की थी, मैं उस निशान की फोटो आपको भेजता हूँ। ठीक है भेजो। एक मिनट। ये तो वही साइन। ये लड़का सर, जहां तक मुझे याद है इसने तो सुसाइड किया था 10 साल पहले। लगता है इसके माँ बाप से मिलना होगा। Let's go. आपके बेटे नकुल के बारे में कुछ पूछताछ करें। अब क्या बात करेंगे आप? 10 साल पहले नकुल के साथ साथ उसकी भी सारी बातें खत्म हो गई। राजीव सर, नकुल ने अपने सुसाइड नोट में एक साइन बनाया था, कैसे पहचानते हैं? नहीं सर, पुलिस ने तो कहा था ऐसे ही कुछ लिख दिया होगा। आपका छोटा बेटा कहां पर है? अब वो भी जिंदा नहीं है। समीर नकुल से बहुत प्यार करता था, उसके जाने के बाद उसने भी पानी में डूबकर अपनी जान दे दी। सर अजीब बात है, कार्तिक की वॉल और नकुल की नोट कॉपी पर सेम निशान कैसे हो सकता है? तब तक इस रिया से मिलते हैं। आप कार्तिक को कैसे जानते? तुम्हें कामयाबी। कार्तिक बिगेस्ट फैन, वो मेरी जिंदगी थे, मेरा सब कुछ थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके साथ मेरी जिंदगी के सारे रंग भी चले गए। कब से जानते थे आप दोनों एक दूसरे को? जन्म जन्म से। साफ साफ जवाब दो। साफ साफ ही तो कह रही हूं, जैसे कृष्ण की मीरा बाई थी, वैसे मैं भी अपने कार्तिक का प्यार अपने दिल में लेके नगरी नगरी घूमूंगी। सर मुझे तो लड़की पागल लगती है। पागल नहीं है, पागल बनाने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में पता कर। यस सर। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता था तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। है तो नहीं, लेकिन मेरी ऐसी फोटोज दिखेगा ना तो जरूर हो जाएगा। तुम बिना कपड़ों के अपनी ऐसी फोटोज किसी को कैसे भेज सकती हो? अरे यार, प्यार इंसान से कुछ भी करा सकता है, और प्यार के लिए अगर बदनाम भी हुए ना तो प्यार की दुनिया में नाम ही होगा। तुम्हारे कॉल इक्वेशन रिकॉर्ड के मुताबिक जब कार्तिक का मर्डर हुआ था तुम उसी एरिया में थे, क्या कर रही थी वहां पर? मैं तो बस उसे देखने गई थी। देखने गई थी या मारने गई थी उसे? काफी ऑब्सेस थी ना तुम कार्तिक के साथ। जब तुम्हें ये पता चला कि कार्तिक तुमसे नहीं बल्कि महक से शादी करने वाला है, गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम, है ना? और अपने इस पागलपन में तुमने कार्तिक का मर्डर कर दिया। आप पागल हो? वो मेरे सब कुछ थे, उनके जाने के बाद मैंने खुद को मारने की कई कोशिश की। अंकिता, अच्छी तरह से खातिरदारी करो इसकी, जब तक ये सच ना बोले। सच में बता कैसा है? रुक रुक यार, खाने तो दे। देखना आज मैं तुझे हरा ही दूंगी। मैं तो कब का हार चुका हूँ खुद से।
बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी जान देने बोलोगे ना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। रिया, श्रीकांत, महक और अंकित, इन चारों के पास कार्तिक को मारने की वजह भी थी और चारों के चारों उस जगह पर मौजूद भी थे जहां कार्तिक का मर्डर हुआ। और कार्तिक का शायद नकुल के साथ भी कोई कनेक्शन था। सर, सिर्फ नकुल ही नहीं, गोलू, दीपक और राहुल के साथ भी। ये लोग कौन? सर, ये सभी लोग अलग अलग पुलिस स्टेशन से उस मार्ग से कनेक्टेड लोग हैं। सर, नकुल की तरह गोलू ने भी सुसाइड किया था। उसके पोस्टमार्टम से पता चला है कि उसका चाचा उसे रेप करता है। और बाकी दो? सर, दीपक ने अपने पिता को मारकर अपने पिता के खून से दीवार पे वो निशान बनाया। कहाँ है दीपक? सर, दीपक 6 साल से गायब है, कहाँ है किसी को कोई खबर नहीं। सर, राहुल ने भी खून करने से पहले खून से दीवार पे वो निशान बनाया था, अभी वो जेल में बंद है। सर, मुझे कुछ नहीं पता इतना बड़ा पाप कैसे हो गया मुझसे। मैं तो प्यार करता था रेखा से। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। सच में दे सकती है जान? तो दे देना। मैं गेम खेल रहा था जिसमें लास्ट स्टेज पार करने के पहले अपने सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना पड़ता था। मेरी सबसे प्यारी चीज तो रेखा थी। इस साइन को पहचानते हो तुम? बता सकते हो क्या है? ये उसी गेम का साइन है। लास्ट स्टेज पार करने के पहले ऐसा मार्क बनाना पड़ता था और उसे फोटो क्लिक करके आगे शेयर करना पड़ता था। कौन सी गेम? डेयर डेविल। तो इसका ये मतलब हुआ कि नकुल और गोलू ने इस गेम के चक्कर में सुसाइड किया और दीपक और राहुल दोनों ने मर्डर। राजीव, इस डेयर डेविल गेम के बारे में पता करो और ये भी पता करो कि कार्तिक के कनेक्शन में कौन कौन लोग थे जो ये गेम खेल रहे थे। राइट सर। सर, अब तो मुझे राहुल की बात सच लग रही है। ये देखिए, ये मॉस कोड है। यहाँ डॉलर साइन को एस से रिप्लेस किया गया है और परसेंटेज साइन को डी से रिप्लेस किया गया है। तो कार्तिक के मोबाइल में ये गेम था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्तिक ने इस गेम की वजह से सुसाइड किया? हो सकता है सर, लेकिन कार्तिक के अलावा भी किसी और के मोबाइल में ये गेम था। किसके? यार, तुम ऐसे क्यों जा रही हो? अभी तो कार्तिक का इन्वेस्टिगेशन भी पूरा नहीं हुआ। यार, मैं कार्तिक के बिना यहाँ नहीं रह सकती। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। मैं दुबई जा रही हूँ। चलिए मैडम, हम आपको दुबई से भी अच्छी जगह लेके चलते हैं। बहुत हो चुका तुम्हारा ये गेम, ये डेयर डेविल। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डेयर मिला था कार्तिक को मारने का उस डेयर डेविल गेम से? हाँ सर, कैसे बात कर रहे हैं सर आप? क्या ये गेम तुम्हारे फोन में नहीं है? वो गेम कार्तिक ने खुद डाउनलोड किया था, वो भी जबरदस्ती। उसे पता था कि मुझे गेम खेलना पसंद नहीं है। कार्तिक ऐसा क्यों करेगा सर? क्योंकि वो गेम कार्तिक ने बनाया था, वो उसका डेवलपर है। जी सर, कार्तिक ने इस गेम को बनाया था। भाई, हाँ? ये क्या इन बेकार के गेम्स से मेरा फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है तू? बेकार के गेम्स? बेटा, जिस दिन ये गेम लॉन्च हुआ ना, उस दिन सबसे बड़ा हिट होगा। वो वर्चुअल लाइफ में ही नहीं, असल जिंदगी में सब लोग खेलेंगे और प्राइज मनी भी होगी, कम से कम 1 करोड़ रुपया। भाई, तू पागल हो गया क्या? और तेरे पास विनर को देने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे किसी को देने ही नहीं पड़ेंगे, बताए क्यों? क्योंकि इस गेम की फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए ना, प्लेयर को या तो खुद की जान देनी होगी या किसी की जान लेनी होगी। 6 साल पहले इस गेम को सर बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली थी और फिर इस गेम से लोगों की जान जाने लगी, इसीलिए इस गेम को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्तिक के मौत के पीछे ये गेम ही जिम्मेदार हो। या तो कार्तिक ने सुसाइड किया या फिर इस गेम की वजह से जिन लोगों की जान गई उन्हीं लोगों में से किसी ने कार्तिक को मार के बदला लिया है। कार्तिक के कनेक्शन में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग इस केस से इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने भी इस गेम को डाउनलोड किया है, जिन्हें भी नुकसान पहुंचा है गेम खेलते हुए, उन सब का एक डेटा बनाओ, उन सब से पूछताछ करो।
मुझे कुछ मिला है सर। जिस एडमिन नेम से नकुल गेम में लॉगिन किया करता था वो पिछले 10 साल से बंद था, लेकिन अभी पिछले 1 साल से कभी कभी सेम एडमिन नेम यानी कि सेम प्रोफाइल से कोई और लॉगिन कर रहा है। आईपी एड्रेस से पता करो कौन। चुप चुप के देखेगा, नजदीक जाके अपने बाप से नहीं मिलेगा। समीर नकुल का वो भाई जो 10 साल पहले ही मर गया था। शायद हम तुम तक कभी पहुंच नहीं पाते, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। तुम अपने पुराने एडमिन नेम से अपनी गेम में लॉगिन करना शुरू कर दिया, समीर के नाम से। वही समीर जो 6 साल पहले मर चुका था। और दूसरी गलती, तुमने अपनी मौत तो साबित कर दी, एक नई आइडेंटिटी भी ले ली, लेकिन अपने अतीत से नाता नहीं तोड़ पाए। मैं पापा से मिलने के लिए और उन्हें देखने के लिए अपने पुराने घर की लोकेशन में बार बार जाते रहे। तुम्हारे फोन की लोकेशन से हमें यह सब पता चला है। पापा से कोई प्यार नहीं है सर, मैं तो बस उन्हें दूर से देखने जाता था, क्योंकि नकुल भैया थे उनकी बहुत केयर करते थे सर। मेरे नकुल भैया बहुत अच्छे थे सर, पढ़ाई में भी बहुत तेज थे सर, एनडीए में जाने वाले थे, लेकिन मेरी गलती की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी सर, और मैंने उन्हें उस गेम के बारे में बताया था सर। मैंने अपनी मौत का प्लान बनाया। पांच साल तक यहां आके धक्के खाए मैंने, लेकिन अपने कंप्यूटर की पढ़ाई कंप्लीट की ताकि उस कार्तिक की कंपनी को मैं ज्वाइन कर सकूं, और मैंने उसकी कंपनी ज्वाइन की सर। मैंने 1 साल तक उसे असिस्ट किया सर, बस एक सही मौके की तलाश, और जैसे ही सर मुझे वो मौका मिला मैंने। अरे यार ये कौन आ गया? तुम? सर एक्चुअली मीटिंग पे जाने से पहले मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूँ सर। लेकिन यार सुनील मैं तो लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे सर, प्लीज सर। हाँ ठीक है आओ। सुपर अमेजिंग यार, जूस पियोगे? जी सर। ये ऐप रिवोल्यूशनरी होगा, लोगों की लाइफ बदल देगा। जैसे आपके गेम डेयर डेविल ने लोगों की लाइफ बदल दी सर। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने भैया से करता था सर, और उस कार्तिक ने मुझसे मेरे भैया ही छीन लिया। तुम्हारे भाई के साथ गलत हुआ, लेकिन तुमने भी जो किया वो ठीक नहीं किया। सर मुझे समझ में नहीं आता है गेम के पीछे लोग इस कदर पागल कैसे हो सकते हैं। राजीव हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी वजह से परेशान हैं, और ये गेम खेलकर हम इस रियल वर्ल्ड को एस्केप करना चाहते हैं, लेकिन ये गेम कब हमारे दिलो दिमाग में भारी पड़ जाए हमें पता नहीं चलता। दरअसल ये गेम जो है हमें एक एड्रेनलिन रश देता है, बिल्कुल ड्रग्स की तरह, और जैसे जैसे हम गेम में लेवल अप होते जाते हैं हम जीतने की फिराक में किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। देखो गेम खेलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी लिमिट जानना बहुत जरूरी है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.